उष्णकटिबंधीय सदाहरित जंगल जिसे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कहते हैं, उनमें पाए जाने वाले वृक्ष जानवरों पर निर्भर करते हैं अपने बीजों का फैलाव करने के लिए। जंगलों में विविध प्रकार के फल पाए जाते हैं। पकने के बाद कुछ पीले, कुछ काले, कुछ लाल, कुछ हरे होते हैं, तो इन ब्राइट कलर से जानवरों को समझता है कि वो फल पक चुके हैं। बीज भी विविध आकार में आते हैं। कुछ बहुत ही छोटे होते हैं, जैसे फिग्स के बीज हैं, वो बहुत ही छोटे होते हैं साइज में, और वो जानवरों के अक्सर मल से निकल जाते हैं। और कुछ बीज जो होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, कोई जानवर अपने मल से निकाल डिस्पर्स करते हैं और कोई जानवर मुंह से गिरा के वो फैलाते हैं। फिग्स होते हैं जो अंदर में बहुत सारे बीज होते हैं। इन पेड़ों पे पाए जाने वाले फल जो हैं वो जानवर खाके उनके जो फेनोमेनन को उस फेनोमेनन को फ्रुजीवोरी कहते हैं। जानवर पके वाले फल वाले पेड़ों पर आके जब फल खाते हैं, वहाँ से वो फल के बीज दूर जाके मादा वृक्ष से दूर जाके गिरा देते हैं, उसे सीड डिस्पर्सल कहते हैं। अगर सारे फल और बीज मादा वृक्ष के नीचे ही गिर जाए तो उनके नष्ट होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि पेड़ के नीचे चूहे आके खाएंगे, कभी कीटक से नष्ट हो जाएंगे बीज, कभी फंगस का अटैक हो जाएगा, जिसके वजह बीजों का जर्मिनेट होने का चांस बहुत ही कम हो जाता है। जब जानवर पेड़ मादा वृक्ष से बीज दूर जाके जंगल में गिरा देते हैं, तो वहाँ पर चूहे के खाने की संभावना, कीटक के अटैक की संभावना और फंगस के अटैक की संभावना बहुत ही कम हो जाती है, जिससे बीज के जर्मिनेशन का और रिक्रूटमेंट का चांस बहुत ही बढ़ जाता है। अरुणाचल के जंगलों में पाए जाने वाले जानवरों में से एक बड़े फलाहारी जानवर जो है वो हॉर्नबिल है। हॉर्नबिल बहुत ही कम समय वृक्ष पर बिताते हैं, इसके कारण वो पेड़ों के नीचे बीज गिराने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है। फिर हॉर्नबिल बहुत ही दूर जाके बीज फैलाते हैं। हमारे रिसर्च ने ये दिखाया है कि व्रीट हॉर्नबिल मादा वृक्ष से 10 किलोमीटर दूर तक जाके बीज फैला सकते हैं। उसी के साथ हॉर्नबिल बीजों को बिल्कुल भी नष्ट नहीं करते। जो छोटे बीज होते हैं वो उनके मल से गिर जाते हैं, और जो बड़े बीज होते हैं वो अपने मुँह से जंगलों में जहाँ तहाँ गिरा देते हैं। हॉर्नबिल को जंगल का किसान इसलिए कहते हैं। हमारे रिसर्च ने ये भी दिखाया है कि हॉर्नबिल बाकी इत्यादि जो फलाहारी चिड़िया हैं उनसे कई गुना ज़्यादा फल भी खाते हैं। अगर जंगल में शिकार हो तो फल खाने वाले जानवर जैसे बार्किंग डियर, सांबर या हॉर्नबिल, इनकी संख्या कम हो जाती है। जब इनकी संख्या कम हो जाती है तो ज़्यादातर जो फल के बीज हैं वो पेड़ के नीचे ही गिर जाते हैं, उससे उनके नष्ट होने की संभावना बहुत ही बढ़ जाती है। हमारे रिसर्च ने ये दिखाया है कि जिन जंगलों से हॉर्नबिल समाप्त हो गए हैं शिकार के कारण, उन जंगलों में जो बड़े बीज वाले फल हैं उनका रिक्रूटमेंट और जर्मिनेशन बहुत ही कम हो जाता है।